symptoms of, you know, black magic or negativity, whatever you may call. We have just given name as a black magic, but yahan pe jo black magic ka jo broader spectrum hai, wo negativity hai. चाहे आपके घर में हो, वो भी हम क्लेंस करते हैं, करेंगे ये पूरे हमारे सेशन में. और आपके फैमिली मेंबर्स या किसी का भी, हमें महसूस हो जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम है, हम उस सेंसिटिविटी के ऊपर काम करेंगे कि हमें पता लग जाए कि कैसे डील करना है. पहले तो देखिए नेगेटिविटी क्या होती है वो पहले सेंस करना पड़ेगा, है ना. सेंस तब आएगा जब आपका कॉन्शियसनेस बढ़े. किसका माइक ऑन है, कैन यू प्लीज म्यूट, बिकॉज काफी इधर. थैंक यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पूरे कोर्स में वी विल वर्क ऑन आवर सेंसरी ऑर्गन्स, जिससे हमारा कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस बढ़ेगा. क्यों हम सेंसरी ऑर्गन्स पे ज्यादा काम करते हैं? बिकॉज हमारा अगर कोई भी चीज की सिद्धि होनी है, पहले हम सेंसरी ऑर्गन्स पे काम करते हैं. इवन एकादशी का जो व्रत है वो भी सेंसरी ऑर्गन्स मिला के 11 सेंसेस होते हैं, इसीलिए उसको एकादशी का नाम होता है. ऑलवेज एक सोल तभी बढ़ता है जब आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स पे काम करते हो, जब आप उसको काबू करते हो. तभी फास्टिंग भी रखते हैं हम लोग, क्योंकि तब हमने कुछ सूंघना नहीं है, कोई फूड हमने ऐसा कुछ गलत बोलना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, और कोई खाने को भी ऐसे मतलब टच भी नहीं करना. इट्स ऑलवेज अवेयरनेस कम्स फ्रॉम योर सेंसरी ऑर्गन्स, राइट. एंड पॉजिटिव, किसी को आपको देख के इतना अच्छा लगता है, सो दैट पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम आपकी अवेयरनेस. अवेयरनेस कहाँ से आती है? फ्रॉम योर ब्रेन, फ्रॉम योर सेल्स, फ्रॉम योर पीनियल ग्लैंड, एंड दिस कम्स फ्रॉम द एंटायर सेंसरी ऑर्गन्स, राइट. एंड वही चीज जब कोई आपको फोन करता है, या कोई कभी कभार आपको लगता है कि बहुत देर किसी से बात करके यू फील टायर्ड, यू फील ड्रेन्ड, आपको लगता है बस यार बहुत हो गया, बहुत एनर्जी सक कर ली इसने, आप फोन रख देते हो. Who are they? In healing term, they are known as energy suckers. Energy suckers are those people who want your energy, but that doesn't mean they are, you know, negativity hai bhai, bahut wo ho gaya ye. No, you should know how to deal with them. Har cheez mein ek negative, ek positive, hamare brain ne usko segregate kar diya. Now, what are the symptoms of negativity? Negativity prevails in even in positive situation also. How? आप ही के फैमिली में जो आपका इमोशनल ग्राफ अगर आप देखोगे, एक बंदा उदास होता है, एक बंदा खुश होता है, एक बंदा उदास होता है. So the graph of a family also comes in a very heavy type of emotional graph. राइट. सो एक की नेगेटिविटी, एक की पॉजिटिविटी, एक की नेगेटिविटी, एक की पॉजिटिविटी, ऐसी ही चलती है. सो दिस ऑल्सो क्रिएट नेगेटिविटी इन योर हाउस, ओके. एंड एक्सेसिव लेजीनेस, एक्सेसिव स्लीप, एक्सेस टायर्ड इन योर बॉडी, हर चीज में आपको लगता है कि लेथार्जिक, आप काम नहीं कर पा रहे हो, अगेन यू आर आप नेगेटिविटी के शिकार हो. इसका मतलब नेगेटिविटी बढ़ गया आपके शरीर में. जब आप सोचते हो पर आप कोई काम एक्शन में नहीं कर पाते हो, और आपको लेजीनेस ज्यादा हो जाता है, दैट मींस योर लोअर चक्रास आर वेरी हेवी, राइट. सो आपको एक्शन में नहीं उतरने देता है, क्योंकि वहां पे आपको मूलाधार से लेके सब सफाई की जरूरत होती है. वहां पे बहुत नेगेटिविटी भर गई है. Nothing progressive happens. कोई progressive, कोई चीज ऐसे एक होता ना, एक joy in life, वो joyness खत्म हो जाती है. कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता है.
देन यू हैव टू थिंक एंड वर्क ऑन रिमूविंग नेगेटिविटी. बिजनेस एंड फाइनेंशियल लॉसेस स्पेशली, ये नेगेटिविटी कैसे अटैक करता है? मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप. ये तीन चीजें जब बार 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 आपके पैटर्न में आता जा रहा है लाइफ में, देन यू नीड टू टेक अ पॉज. एक पॉज ले लो अपने लाइफ में और बोलो कि भाई कुछ तो हो रहा है, मुझे यहाँ पे वो चीज सही करनी है. देन यू हैव टू क्लेंज योर एंटायर हाउस ऑल्सो, बिकॉज सिर्फ हम अपने ऊपर ही काम करते हैं, पर आप तो उसी घर पे रह रहे हो, आपका ऑरा तो वही एनर्जी सक कर रहा है डेली, बेड तो वही है. आपको सारी क्लेंजिंग और एनर्जाइजिंग करनी पड़ेगी एनर्जेटिकली, आई एम टेलिंग यू. रोज उठा के उसको वॉशिंग मशीन में डाल के बेडशीट सब धो देते हैं, सब लगा देते हैं, बट अगेन यू आर विद द सेम इमोशन, यू आर लाइंग डाउन ऑन द सेम बेड. जब आप पूरा फ्रेश होके जब जाके लेट, तो अगेन यू आर, आपके अंदर वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है. And some people, extreme level of negativity is suicidal thoughts. कि मेरे से अभी हो नहीं रहा है. Those are extreme level. एक चीज है बार बार इरिटेशन होना, गुस्सा करना, किसी को आपके फैमिली में या किसी फ्रेंड को या किसी आपके जानकार को देख के आपको इतना गुस्सा आ जाता है इमीडिएटली. अगेन दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग इन योर aura and in your chakra, you need to work on it. Aankhe bari hona, heavy eyes. Eyes hamara bahut first impression hota hai. Kisi ke bhi saamne jab jaate ho, hamara face is first impression. Koi bhi jab hume positive bolta hai ya negative bolta hai, hamara face mein attack hota hai. Kyunki this is the first mirror. राइट, सो आईज बहुत बड़ी चीज होती है टू सक द नेगेटिविटी. इनडाइजेशन प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग रिकरिंग प्रॉब्लम, बार बार होना. इट्स नॉट दैट कि एक बार हो गया और आप भाई सोचने लग जाओ प्रॉब्लम है, नहीं, बहुत साल से है और मेडिसिन खा के भी नहीं ठीक हो रहा है, कुछ भी करके नहीं ठीक हो रहा है, फिर आपको सोचना पड़ेगा भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, समथिंग इज रॉन्ग इन माई सिस्टम, और वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है. मतलब कोई एनर्जी वर्क करना है आपको. एक्सेस बॉडी हीट, बॉडी हीट जब एक्सेस में बढ़ जाती है तब भी यू नीड टू वर्क ऑन योर organs, you need to work on your chakra, you need to work on your aura. कुछ लोग देखो, हमारा brain train होता है negative pattern में ही. I think we all agree to this. Positive कम सोचते हैं, but negative ऐसे पकड़ लेते हैं हम लोग. हाँ तू जाएगा ना, क्या होगा तेरा, कुछ नहीं होने वाला, फटाफट मुंह से निकल जाता है, बेचारे सोचते भी नहीं है हम लोग. कितने मार्क्स आएंगे, तू क्या पढ़ती है, तू जो मार्क्स के बारे में बात कर रही है, पढ़ती तो है नहीं, क्या मार्क्स आएंगे, अंडा लेके आएगी तू, रसगुल्ला लेके आएगी, राइट? सो दीज थॉट्स, वी आर बोर्न विद दीज थॉट्स. व्हाई? बिकॉज़ अगर एक बंदा भी पॉजिटिव थॉट लेके रखेगा इन अ फैमिली, बाकी फैमिली का तो वो अब्सॉर्ब कर रहा है ना वो नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं से तो उसके अंदर वो, ही इज बिकमिंग अ स्पॉन्ज. वो बेचारा कितना भी मेडिटेशन कर ले, कितना भी वर्क कर ले, फिर भी कहीं ना कहीं से उसका ऑरा कैच कर ही लेता है. और वो तो बहुत आसान है नेगेटिव थॉट्स, तो उसके लिए तो कोई स्कूल में जाके पढ़ाई भी नहीं करनी होती है, वो तो हम लोग के अंदर वैसे ही भरा होता है, ये क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करती है. इट्स वेरी कैजुअल थॉट, किसी को भी हम अब्यूज कर देते हैं, दिस इज अब्यूज, राइट? किसी के भी ग्रोथ को हम ऐसे ही बोल देते हैं, क्या करती है, कुछ नहीं करती है. सो ऑलवेज गेटिंग नेगेटिव थॉट्स, ऑलवेज जहां पे नेगेटिव थॉट्स होता है वहां पे नेगेटिव पैरासाइट्स या नेगेटिव स्पिरिट्स बहुत
अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज उनको वो उनका वो खाना है. नेगेटिव एंजल्स का जैसे खाना है पॉजिटिविटी, वैसे उनके उल्टे लोगों का जो खाना है नेगेटिविटी. तो आप उनको रोज खाना दे रहे हो, आ जा तू मेरे से ले ले खाना. एंड मेनी पीपल कम टू मी हेलुसिनेशन, अननोन फियर. अननोन फियर स्पेशली जैसे बहुत लोगों को होता है, सनसेट जब होता है तब दे फील लाइक कुछ ड्राउनिंग फीलिंग, फियर आता है उनको, समझ में नहीं आता है क्या करे. वो उस टाइम में वो स्काई को देखना भी नहीं चाहते हैं. सन डाउन सिंड्रोम करके बोलते हैं उसको हम लोग. जब सन डाउन होता है वो नहीं ले पाते हैं उसको, बिकॉज दे वॉन्ट सन का एनर्जी. सो दीज काइंड ऑफ अननोन थिंग, जब हेल्थ का कोई पता ही नहीं है क्यों हो रहा है. ओके हमने डॉक्टर के पास चले गए, कुछ आया ही नहीं.